सर्दियों में हम बहुत तरीके के पराठे बनाते हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक का पराठा। एकदम आसान तरीके से बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इसे गर्मा गर्म खाएँ या ठंडा होने के बाद खाएँ, ये बहुत ही अच्छा लगता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अनीता जी की रसोई में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। सिक्के जार लिया है, एक बारीक कटी हुई प्याज को डाल देंगे, 5 हरी मिर्चा को, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 2 छोटी सी अदरक के टुकड़ा। अब जार का ढक्कन लगाकर दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। अब इसे एक हम बर्तन में निकाल लेंगे। पालक पराठा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 कप गेहूं के आटे लिए हैं। अब हमने 2 टेबल स्पून बेसन डालेंगे, यानी कि 1 कप के पीछे 1 टेबल स्पून बेसन डालना है। बेसन से स्वाद आता है और खस्तापन लगता है। इसमें अब हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा। अब इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमने 2 टेबल स्पून घी लिए हैं। घी तेल या दूध का मलाई इस्तेमाल किया जा सकता है। घी डालने से पराठे में बहुत ही बढ़िया खस्तापन आता है। अब हमने 150 ग्राम लिए हैं पालक। डंठल को हटाने के बाद इसे हम 2 पानी अच्छे से साफ कर लिए हैं और सुखा लिए हैं। सूखने के बाद इसे बारीक बारीक से काट लिए हैं। पालक को हम थोड़े थोड़े आटे में डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। पूरा पालक एक बार मत डालिएगा। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि पालक है, नमक है, तो आटे में मॉइस्चर आ जाता है। अब ये सारा पालक इसमें हम डाल देते हैं और मिक्स कर लेंगे। अब हमने पालक को आटे में अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और थोड़े थोड़े पानी डालकर इसमें सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। पानी इसमें बहुत कम लगेगा, इसके लिए आप ध्यान से ही डालिएगा। अगर सख्त आटा लगाते हैं तो पालक है, नमक है, उसकी वजह से थोड़ा लूज हो ही जाता है। आटा को हमने गूंथ लिए हैं और इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे। तब उसके बाद इसको पराठे बनाएंगे। आटा के रखे हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गया है, तो इसे एक बार और गूंथ कर चिकना कर लेंगे। अब आटे में से हम लोइया तोड़ लेते हैं। आपको छोटी बड़ी जैसे ही पराठे बनाने हैं बना सकते हैं। लोई को सूखी आटा में लपेट लेंगे। पहले मैं चरकोर शेप में पराठे बनाने वाली हूं, तो वही बता रही हूं। पहले इसे बेल लेना है, उसके बाद बीच में इसे तेल या घी लगा लेना है। इसके बाद हमें दोनों साइड से फोल्ड कर देना है। इसके ऊपर से थोड़े से फिर घी लगाना है और दोनों साइड से फिर फोल्ड कर देना है। अगर इस तरह से पराठे हम बनाते हैं तो जो परते बनती है बहुत ही खस्ता बनती है। फिर से हम सूखा आटा लगाएंगे और बेल लेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये लीजिए, अब हमने पराठे बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसे गरम तवे पर डाल देंगे। आंच को कभी मीडियम कभी मीडियम हाई करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक घी या तेल लगाकर दोनों तरफ से सेंक लेंगे। सेम तरीके से बना के देखिए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। लीजिए, हमारा चरकोर पराठा बनकर तैयार है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार।